बॉलीवुड में पिछले कई सालों से दमदार कॉमेडी मूवीज देखने को नहीं मिली हैं, पर अब बहुत ही जल्द 2006 में रिलीज हुई भागम भाग का सीक्वल रिलीज होने वाला है। सुनील शेट्टी की तरफ से भागम भाग 2 की अपडेट्स आ गई हैं। सुनील शेट्टी ने कहा है कि वो बहुत ही जल्द भागम भाग 2 पर काम शुरू कर देंगे। वैसे तो भागम भाग 2006 में रिलीज हुई थी, जिसने ऑडियंस को खूब हंसाया था। उस वक्त से ही ऑडियंस इसके पार्ट 2 की डिमांड कर रही थी। अब जाकर खबरें आ रही हैं कि भागम भाग का सीक्वल बनने जा रहा है और अब की बार इस मूवी में काफी सारी कास्ट चेंज हो सकती है। 2006 में हमें अक्षय कुमार और गोविंदा की जोड़ी देखने को मिली थी, लेकिन शायद अब की बार सीक्वल में एक नई जोड़ी देखी जाए। भागम भाग सुनील शेट्टी ने खुद इसको प्रोड्यूस किया था और अब की बार तो ये खबर आ रही है कि इसके सीक्वल में सुनील शेट्टी का एक अहम किरदार होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें हेरा फेरी की तरह वाली कॉमेडी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। जब तक इसकी कास्टिंग के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जाती, तब तक हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। सुनील शेट्टी ने कहा है कि अब की बार भी इस मूवी को प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगी। भागम भाग एक ऐसी मूवी है जिसकी जबरदस्त स्टोरी और कमाल की कास्टिंग है, जिसको लोगों ने काफी प्यार दिया। पर अब देखना तो ये होगा कि अब की बार प्रियदर्शन इस मूवी के लिए क्या करते हैं और इस मूवी को भी अपने पहले पार्ट की तरह ही ऑडियंस से प्यार मिल पाता है या नहीं। वैसे तो अक्षय कुमार की काफी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, पर ये मूवी उनके लिए कमबैक का जरिया बन सकती है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मुझे कोई न्यू अपडेट मिली तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।